हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपको आफ्टर इफेक्ट के एक नए ट्यूटोरियल में ले चलते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक 3D क्यूब बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट में बहुत ही इजी वे से। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू कंपटीशन या 1920, और यहाँ हमने 3D रेंडर पे क्लिक करके क्लासिक 3D लेना है। ओके, दैट्स गुड। एंड अभी हम लोग वैसे ही अगर एक क्यूब को देखें तो हमें लगता है कि क्यूब के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम एंड फ्रंट और बैक। टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। तो चलिए हम वो लोग 6 पार्ट कैसे बनाने हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने राइट क्लिक किया, न्यू सॉलिड, सॉलिड हमने एक सिंगल 400x400 पिक्सल का लिया, ठीक है। और आप 300 ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं, 500, आपने जितना बड़ा क्यूब बनाना है उसके अकॉर्डिंग। देन और यहाँ हमने इसे नाम दे दिया फ्रंट, FRONT, फ्रंट, दैट्स गुड। और अभी हमने एक और सॉलिड, उसके बाद हमने यहाँ फ्रंट के बाद हमने बैक, ठीक है। और यहाँ हमने कलर चेंज कर दिया, कुछ भी कलर आप लोग भी कर सकते हैं, गुड। उसके बाद एक और सॉलिड, यहाँ हमने इसका रख दिया राइट, GST राइट, और इसका कलर कुछ पिंक, ओके, गुड। एंड इसके बाद एक और सॉलिड, और यहाँ राइट के बाद लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ हमने कलर चेंज कर दिया इसका समथिंग ब्लू, ओके, गुड। और इसके बाद हमारी 4 लेयर हो गई है, तो 5 लेयर यहाँ हमने कर दिया टॉप, और यहाँ कलर हमने चेंज करके इसको रख दिया यहाँ ये वाला कलर, दैट्स ओके। एंड लास्ट हमारा रह गया एक सॉलिड, और यहां हमने कर दिया बॉटम, ओके। एंड इसका कलर हम ग्रीन, कुछ ग्रीन लेते हैं, ग्रीन हमने लिया है ऑलरेडी, तो येलो लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारे 6 कलर हो गए, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट एंड टॉप, बॉटम, ओके। देन तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने इनका ये 3D ऑन करना है सभी का। तो यहाँ से तो हमने सभी को 3D में ऑन कर लिया है। देन उसके बाद हमने यहाँ देखना है, तो हमारा एक व्यू है, तो हम इस यहाँ 2 व्यू करते हैं। और उसका रीज़न ये है, एक व्यू के हम काम करेंगे, एक व्यू हम देख सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा कस्टम हो गया, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट लेते हैं, फ्रंट जो सामने वाला है, ठीक है, गुड। तो यहाँ फ्रंट और बैक को हम लोग छोड़ देते हैं एक बार। तो हम लोग राइट पे से शुरू करते हैं। तो राइट पे हमने जैसे ही राइट पे क्लिक किया और R प्रेस करते हैं। R प्रेस करने से हमारे पास रोटेशन की सारी ये जो आ जाएगी कि कितना रोटेशन है, कितना है इसकी मेजरमेंट, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपली वाई रोटेशन पे -90 रखना है, ठीक है, गुड। और जैसे हमने ये चीज और नोटिस करनी है, ये जो हमारे तीर के निशान हैं ये बाहर की तरफ होने चाहिए। अगर हम लोग यहाँ माइनस क्यों किया, क्योंकि अगर यहाँ हम लोग यहाँ प्लस सिर्फ नॉर्मल -90 करते हैं तो ये निशान हमारे अंदर की तरफ होंगे, नहीं, हमें बाहर की तरफ करना है। तो हमें बाहर की तरफ करने के बाद उसके बाद हमें ये इनको यहां लेके आना है एक कोने पे, राइट वाले को राइट साइड में, और इसको हम जूम करके देख सकते हैं, क्योंकि हमने इस लाइन को इसके साथ में पूरा जोड़ना है, क्योंकि हमने क्यूब को प्रॉपर तरीके से बनाना है। तो जैसे ही ये देखिए मैं लाइंस को थोड़ा आगे करता हूं तो लाइन बाहर चली जाती है, तो इसे आप भी
जूम करके देख सकते हैं. ओके दैट्स गुड. ठीक है डन. एंड उसके बाद हमारा लेफ्ट, तो लेफ्ट पत्ता, तो लेफ्ट लेफ्ट में हमने सिंपल फिर वो आर प्रेस करना है. और जैसे आर प्रेस करते हैं तो इसका भी वाई रोटेशन में हमने यहाँ फिल करते हैं 90. जैसे ही 90 करेंगे तो ये हमारा बाहर की तरफ हो जाएगा. तो इसे भी हम लोग ये एरो के निशान से हम लोग कर देखते हैं. और शिफ्ट के साथ अगर एरो दबाएंगे तो ये थोड़ा जल्दी होगा. ठीक है, तो आप जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं. दैट्स गुड. ओके देन अभी हमारा आता है टॉप. तो टॉप हमारा पार्ट कौन सा है? ऊपर का है. तो हमें क्या करना है, टॉप के लिए आर प्रेस करना है. आर प्रेस करने के बाद यहाँ हमने हमने वाई रोटेशन में नहीं जाना है, हमने जाना है एक्स वाले रोटेशन में अभी. ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करना है, -90. ठीक है, तो जैसे -90 करते हैं तो ये हमारा टॉप का बन गया. मतलब हम लोग ये टॉप पे जस्ट मिनट चला गया. दैट्स गुड. ठीक है, तो ये हमारा टॉप का बन गया. उसके बाद हमारा बॉटम आता है. तो बॉटम में हमने क्या करना है, बॉटम प्रेस किया और आर प्रेस किया. तो यहाँ हमने क्या करना है, एक्स रोटेशन में हमने 90 फिल करना है. 90 फिल करेंगे तो ये हमारा नीचे का पार्ट सा आ गया. तो इसे भी हम लोग इस तरह से देखिए. गुड, हमारे चार पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 1, 2, 3 एंड पीछे का जो पार्ट है 4. ठीक है, देन अभी हमारा क्या रह गया, फ्रंट और बैक. तो हमने फ्रंट में क्या करना है, फ्रंट को क्लिक करना है. यहाँ हमने फ्रंट लिखा है, यहाँ फ्रंट पे हमने लेफ्ट करना है. ठीक है, तो जैसे लेफ्ट करेंगे तो हमारा ये हमारी वैल्यू आ गई है, वैल्यू आ गई है. तो हमें क्या करना है, इसे यहाँ लेके आने हैं. बेसिकली हमारी जो ये ग्रीन वाला है इसे के हम वैसे भी कस्टम भी कर सकते हैं बट वो प्रॉपर नहीं होगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसे प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं. गुड, ठीक है. ठीक, देन अभी हमारा लास्ट एंड फाइनल बचा बैक. तो बैक के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम आर प्रेस करेंगे और यहाँ वाई रोटेशन में हम 180 फील करेंगे. ठीक है, तो जैसे 180 फील किया तो ये हमारा यहाँ आ गया है. तो इसे भी हम लोग इस तरह से यहां ले आते हैं. दैट्स गुड. ठीक है, तो हमारे 6 के 6 का पूरा पूरा क्यूब बन गया है. हमें यहां से हम लोग यहाँ पहन किया और उसके बाद हमने क्यूब को देख लिया, चेक कर लिया. मतलब इस तरह से हम लोग जहां जहां माउस घुमाएंगे तो हमारा 3D काम करेगा. ठीक है, दैट्स गुड. ओके, अभी हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमें इस क्यूब को ऐसे ही थोड़ी ना रखते हैं, हमें थोड़ा इसको घुमाना भी है. ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमें इसका व्यू सिंगल करेंगे और कैमरा एक्टिव है. ठीक है, तो यहाँ से हम एक नल ऑब्जेक्ट लेंगे. ध्यान दें, नल ऑब्जेक्ट को भी हमने 3D करना है. ठीक है, देन उसके बाद ये जो आप यहाँ दिख रहे हैं तो इसे हमने एक एक करके नल ऑब्जेक्ट में ड्रैग करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो ये होगा क्या, जो हमारे फ्रंट बैक राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, ये जो हमारे सॉलिड है जिसका हमने क्यूब बनाया है, ये समझ लीजिए कि इनको ऑपरेट ये हमारा नल ऑब्जेक्ट करेगा. तो हमने क्या है, इसमें सिंपल जाके एनिमेशन बना देना है. इसका सिंपल है,
हम बनाते हैं एक्स वाई एंड जेड को सेलेक्ट किया, देन तीनों की फ्रेम आ गए हैं और इसे 5 सेकेंड पे लेके जाते हैं। और यहाँ हम लोग अपनी कस्टम कुछ भी भर सकते हैं, जैसे 205 टेस्ट कोड। तो ये देखिए, मैं क्लिक करके देखता हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से हमारा ये जो क्यूब है ये वर्क करने लग गया है। तो यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो, एक सेम साइज की पिक्चर्स से बना सकते हो, या कुछ भी, या कलरफुल बनाना है तो कलरफुल बना सकते हो, या कुछ भी। हमने एक फोटोशॉप में डिजाइन किए, 6 डिजाइन किए, लेकिन डिजाइन सेम होने चाहिए, साइज में, विड्थ और हाइट में सेम होनी चाहिए, तभी हमारा क्यूब बनेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।